शिक्षकों और विचारक मंडली, मैं हर्षिता हिमांगी, कक्षा 7 की छात्रा, आज आपके सामने कोरोना वायरस के ऊपर एक कविता पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सुन लो कोरोना। सुन लो कोरोना भारत वासियों का ऐलान, सुन लो कोरोना, जान लो कोरोना, तू हारेगा तू मिटेगा, तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा, तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। क्या तुमने सोच लिया, नवंबर 2019 से चीन के वुहान शहर से आकर सारी दुनिया को करेगा झकझर, ये बुरी नियत तेरी कभी ना होगी पूरी। तुमने देश रोका, तुमने दुनिया रोकी, जहाज विमान के साथ तुमने रेल भी रोकी, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रुक गई पढ़ाई, विद्यार्थी शिक्षक एवं शिक्षाविदों पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आई। तू क्या समझता है, तू है सर्वशक्तिमान, तेरा कभी ना होगा सत्यानाश। अरे हमने तो प्लेग, हैजा, कलेरा, मलेरिया तथा पोलियो को किया पराजित, तो तू किस खेत की मूली है जो तू नहीं होगा पराजित। तूने संक्रमण फैलाया, हमने लॉकडाउन करके सैनिटाइजिंग कराया, तूने कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ाया, हमने क्वारंटाइन का दायरा बढ़ाया, तूने मौत का तांडव मचाया, हमने उपचार के तरीके सुझाए, तूने मौत का तांडव मचाया, हमने उपचार के तरीके सुझाए। कर लो करना है जितना भी अत्याचार, कर लो करना है जितना भी अत्याचार, हमारे डॉक्टर, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ करते रहेंगे कोरोना मरीजों का उपचार, न रुकेंगे न थकेंगे, न रुकेंगे न थकेंगे, लॉकडाउन का विस्तार करेंगे, तुम्हारी हार तक इंतजार करेंगे, तुम्हारी हार तक इंतजार करेंगे। जहाँ से तुम आए हो वहीं चले जाओ, जहाँ से तुम आए हो वहीं चले जाओ, हमें चैन से रहने दो, हमें चैन से जीने दो। तुम्हें तो सभी बच्चे और बुजुर्गों की बद्दुआ लगेगी और सजा भी मिलेगी, तुम्हें तो सभी बच्चे और बुजुर्गों की बद्दुआ लगेगी और सजा भी मिलेगी, क्योंकि तू एक दिन अवश्य हारेगा। तो सुन लो कोरोना, एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा, एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।